वेलकम बैक टू जॉर्ज का सचिन ग्लासर टेक वैस। इन दिस वीडियो में आपको बताने कि सैमसंग लॉन्च कर रहा है अपना एक न्यू वायरलेस पावर बैंक, जो कि गाइस एक बहुत ही फास्ट पावर बैंक है, जिसमें आप 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग से अपने स्मार्टफोन को वायरलेस चार्जिंग द्वारा चार्ज कर सकते हैं। गाइस ये जो सैमसंग का वायरलेस पावर बैंक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर बैंक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स एंड काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है। प्लस गाइस इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का मिलता है, वो भी फास्ट चार्जिंग, मतलब कि इसमें वायरलेस चार्जिंग तो मिलता है, उसके साथ साथ आप इसमें फास्ट चार्जिंग की मदद से अपने स्मार्टफोन को वायरलेस चार्जिंग द्वारा चार्ज कर सकते हैं। और इसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, प्लस यहाँ पर 25 वॉट फास्ट चार्जिंग से आप चार्ज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ओप्पो का क्विक 2.0 या फिर 4.0 जो भी है, वो सारे भी मतलब चार्जिंग फास्ट चार्जिंग इसमें मिल जाती है। तो आपको जो भी स्मार्टफोन है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, आप इस पावर बैंक से बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको सैमसंग के इसी वायरलेस पावर बैंक के फीचर्स के बारे में बताएंगे कैसे सैमसंग का पावर बैंक किस प्रकार के फीचर कितनी प्राइस में लॉन्च होता है और कब लॉन्च होगा। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो सैमसंग का वायरलेस पावर बैंक है ना, ये गाइस एक बहुत ही फास्ट तरीके का पावर बैंक है और एक बहुत ही कमाल का पावर बैंक है, जो कि गाइस सैमसंग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। वैसे तो सैमसंग के पावर बैंक में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हैं कुछ पावर बैंक हैं, लेकिन ये सैमसंग का एक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाला पावर बैंक है, जिसमें आपको काफ़ी फास्ट चार्जिंग मिलती है। प्लस यहाँ पे गाइस आपको वायरलेस चार्जिंग तो मिलती है, उसके साथ साथ वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है, मतलब कि दोनों मिलती है। क्योंकि अगर आप पावर बैंक ले लेंगे और आपके पास एक विदाउट वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन है, तो आप कैसे चार्ज करेंगे? तो इसके लिए आपको वायर्ड चार्जिंग भी तो चाहिए, तो इसमें आपको वायर्ड चार्जिंग भी मिल जाता है, प्लस साथ में इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है। इसमें गाइस बहुत सारे ऐसे मतलब फीचर्स हैं जो कि दूसरे पावर बैंक में नहीं मिलते, और काफ़ी फास्ट तरीके से आप दोनों में इसमें चार्ज कर सकते हैं। चाहे आप वायर्ड से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करें या फिर गाइस आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेस द्वारा चार्ज करें, दोनों तरीके से इसमें आप फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और गाइस ये जो सैमसंग का वायरलेस पावर बैंक है, ये FCC सर्टिफाइड पावर बैंक है, जो कि एक न्यू सर्टिफाइड है, तो काफ़ी अच्छा इसमें सर्टिफाइड भी न्यू है, प्लस एक बहुत ही कमाल का फीचर्ड पावर बैंक है, जिसमें आपको तमाम प्रकार के फीचर्स मिलते हैं। सो चलिए आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें चार्जिंग की, तो इसमें आपको चार्जिंग के दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB ए पोर्ट और जो दूसरा है वो USB C पोर्ट, मतलब कि दोनों पोर्ट आपको इसमें अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो भी पोर्ट सपोर्ट करता है आपका स्मार्टफोन, आप उसकी मदद से इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो फास्ट चार्जिंग से चार्ज करें, अगर स्लो चार्जिंग सपोर्ट करता है जिसमें ए पोर्ट की जरूरत होती है, तो आप ए पोर्ट से इसे चार्ज कर सकते हैं। और गाइस ये जो सैमसंग का वायरलेस पावर बैंक है, इसमें आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपका जो पावर बैंक है उसके मतलब क्या क्या उसमें हो रहा है, मतलब उसमें अगर बैटरी चार्जिंग के बारे में इंडिकेट करेगा, आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा तो उसके बारे में इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो चारों इंडिकेटर हैं आपको इंडिकेट करता है इस पावर बैंक की स्थिति के बारे में, और सब कुछ गाइस आप इस LED इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक सिंपल पावर बैंक होता है, उसी प्रकार का LED इंडिकेटर इसमें भी रहता है। और गाइस ये जो पावर बैंक है सैमसंग का वायरलेस, इसमें जो वायरलेस चार्जिंग का कोल है ना, वो आपको इस पावर बैंक के टॉप में मिल जाता है, मतलब कि इसके ऊपर के साइड आपको इसका चार्जिंग कोल मिल जाता है, जहाँ पे जो इस वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को वहाँ पे जब रखेंगे, तो गाइस ये ऑटोमेटिक जब चार्जिंग कोल पे आपका स्मार्टफोन चला जाएगा, तो वहाँ से आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा। तो यहाँ पे एक बात और है कि गाइस आज के ज़माने में मतलब जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, तो सभी वायरलेस चार्जिंग नहीं रहते, जो कॉस्टली होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, वही गाइस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग के भी कुछ स्मार्टफोन है जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, प्लस आईफोन एंड रेडमी के भी कुछ कॉस्टली डिवाइस है जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो उन सभी स्मार्टफोन को जैसे आप इसके कॉर्नर कोल में रखेंगे, जो कि वायरलेस चार्जिंग वाला कोल, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चार्ज होने लगेगा। प्लस यहाँ पे आप 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग से अपने स्मार्टफोन को बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं सैमसंग के बैटरी कैपेसिटी की, जो कि सैमसंग के इस वायरलेस पावर बैंक की, तो यहाँ पे आपको 10,000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4,000 mAh की बैटरी वाले भी स्मार्टफोन को आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं, और जितने भी 1,000 mAh की बैटरी है उसको आप काफ़ी फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस यही कुछ है सैमसंग के वायरलेस चार्जिंग के पावर बैंक के फीचर, जो कि गाइस एक बहुत ही कमाल का पावर बैंक है सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। और गाइस ये पावर बैंक अभी इसमें बताया नहीं गया कि कब लॉन्च होगा, लेकिन सैमसंग के कोई न्यू स्मार्टफोन जब आएगा तो उसी के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ फीचर रिवील्ड किए गए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस
ये जो सैमसंग का पावर बैंक है ये काफ़ी बेस्ट पावर बैंक है वायरलेस चार्जिंग के लिए और एक ब्रांडेड पावर बैंक है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग आपको $59 के करीब मिल जाएगी और आप $59 में इस पावर बैंक को बड़े आराम से सैमसंग में खरीद सकते हैं जब ये लॉन्च होगा। और कैसे ये जो सैमसंग का वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक है ये क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जो कि ओप्पो के साथ होता है। तो यहाँ पे क्विक 2.0 4.0 ऐसी कुछ चार्जिंग है जो कि गाइस आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आप वहाँ पे ओप्पो के भी स्मार्टफोन को वायरलेस द्वारा फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं जो कि वूक वाला वूक 2.0 ऐसे ही रहता है। तो आप इससे भी काफ़ी फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सो ये कुछ है इसके फीचर। आई होप सैमसंग के इस वायरलेस पावर बैंक के सारे फीचर आपको समझ में आए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल अच्छा को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में एज वेल एज से डू समथिंग न्यू डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।